दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सारंग तोप ने गरजना शुरू किया। इसके निर्माण के बाद मंगलवार को जबलपुर के खबरिया स्थित लॉन्ग प्रूफ रेंज यानी LPR में सारंग का सफल परीक्षण किया गया। बेहद खतरनाक और भारी भरकम सारंग तोप के परीक्षण के साथ ही जबलपुर के नाम एक और बड़ा इतिहास दर्ज हो गया। देश की सबसे बड़ी गन सारंग के परीक्षण के लिए जबलपुर के खमरिया स्थित एस लॉन्ग प्रूफ रेंज को सबसे मुफीद माना गया है। यानी अब देश में होने वाले तोपों के परीक्षण के लिए विशेषज्ञों ने जबलपुर को सबसे अनुकूल माना गया। सारंग के सफल परीक्षण के साथ ही जबलपुर देश का इकलौता ऐसा शहर बन गया है जहां खतरनाक तोपों का निर्माण तो होता ही, साथ ही इनके ऑपरेशन और परीक्षण भी एक ही जगह संभव है। डेवलप करने में हमारे कई सहयोगियों का साथ है। सबसे पहले तो एंटायर DGQA की टीम, जिसके अंदर ब्रिगेडियर रवि भारद्वाज, कर्नल गुप्ता और भी कई सहयोगी रहे हैं, WDET की टीम जो कि ब्रिगेडियर जयंत कार साहब कमांड कर रहे हैं, उनके साथ में कर्नल रजत टंडन, इन लोगों का सहयोग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के दोनों ODC कानपुर और ODC जबलपुर के महानुभाव, दोनों जनरल मैनेजर्स GCF के और VF व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, इन लोगों, और एक चीज मैं नहीं भूलना चाहता, ARDE पाशान जो कि DRDO का एक इकाई है जो आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पाशान पुणे में स्थित है, उनके साइंटिस्ट का योगदान इस नई प्रूफ तकनीक को इजाद करने के लिए इन सब का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इन सबको हृदय से आभारी हूं क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप इन्हीं महानुभावों की वजह से हुआ, और इस नए कॉन्सेप्ट से अब हम नई गन्स को लॉन्ग प्रूफ रेंज में ही फायर कर सकेंगे, जिससे गन का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आर्मी के पास डिपॉजिट होने का जो एक टर्न राउंड टाइम था वो बहुत बहुत कम हो जाएगा, और इसमें लगने वाली कॉस्ट, इसमें लगने वाली तकनीकी मैन पावर, जो 50 आदमी 1200 चले जाते थे, दो दो महीने तीन तीन महीने वहां रह के काम पूरा करके वापस आते थे, उन सब चीजों की सेविंग होगी। तो एक बहुत हम्बल एस्टिमेट हमारा है कि कम सालाना 100 करोड़ रुपए की सेविंग होगी, लेकिन दोनों ब्रिगेडियर साहब की सोच है कि इससे भी ज्यादा की सेविंग होगी, क्योंकि कई चीजें हैं जो अनदेखी रह जाती हैं। सबसे पहले आज का प्रोग्राम इस तरीके से रहेगा, आप लोगों को मैं यहां से भेजूंगा Bay No. 1 पे जो सारंग गन लगी है उसके पीछे एक प्रूफ टावर है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं इस टावर पर, उधर से आप देखेंगे, आपको दिखाई कम देगा सुनाई पूरा देगा, लेकिन जो दिख रहा है उसमें आपको समझना है। रीजन सिंपल से मैंने पहली बात बताई आपको, रेंज के अंदर सारी चीजें हम सेफ्टी के अंदर करते हैं, क्यों? क्योंकि हम गन को पहली बार प्रूव कर रहे हैं, जब ये प्रूव हो जाती है और फिर फाइनली ब्रिगेडियर रवि भारद्वाज साहब ठप्पा लगा देते हैं तो ये गन सेना के जवानों को दी जा सकती है और वो इसके ऊपर उसके साथ खड़े रहकर फायर कर सकते हैं। तो ये पहली टेस्टिंग है, पहली टेस्टिंग में हमको बहुत सेफ रहना चाहते हैं कुछ भी दुर्घटना को अवॉइड करने के लिए, इसलिए हम लोग टावर्स के अंदर होंगे, हम लोग बैफल वॉल्स के पीछे होंगे। दो गन्स लगातार फायर की जाएंगी, दो सारंग गन, पहली गन जो फायर हो रही है वो GCF की है, उसका नाम नंबर दिया जाएगा आपको, दूसरी गन जो है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने इंटीग्रेट की हुई है उसका भी नाम नंबर दिया जाएगा। दोनों गन चार चार राउंड फायर करेंगी, अलग अलग एंगल्स पे फायर करेंगी, उसके बारे में आपको तकनीकी ब्रीफिंग दी जाएगी। दोनों गन के बीच में करीब 20 से 25 मिनट का वक्फा लगेगा, क्योंकि एक गन हटेगी दूसरी गन लगेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग धैर्य रखें और उसी टावर में रहें, सिगरेट या बीड़ी ना पिए, क्योंकि हम लोग एमिनेशन के आसपास हैं, थोड़ा रोक लें। और जब ये दोनों फायरिंग हो जाएगी मैं आप सबको सादर आमंत्रित करूंगा, गन के पास जाएंगे, गन के साथ फोटोग्राफ और जो भी आप लोगों के सवाल हैं, दोनों ब्रिगेडियर साहब रहेंगे जो तकनीकी तौर पे और भी कुछ आपको सर्टिफाई करना चाहेंगे आप लाइव बाइट भी ले सकते हैं, और पूरा नॉलेज का भंडार है दोनों ब्रिगेडियर साहब के पास में, और हमारी तमाम टीम ऑफ ऑफिसर से आप बात कर सकेंगे। लेकिन तब तक आप लोग बहुत ज्यादा अनुशासन में रहें, और जहां मिस्टर डी डी मिश्रा बता रहे हैं उसी जगह पर रहें, वही निर्धारित जगह है। फोटोग्राफर्स ध्यान रखें कि हम लोग जोश में ऐसी जगह एक्सपोज न हो जाएं जो कि खतरे से भरी हुई है, तो मैं हर इंसान पे कंट्रोल नहीं कर सकता, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इस वक्त।
और फिर उसके बाद आप लोगों को चाय के लिए सादर आमंत्रित करूंगा। तो ऑल द बेस्ट एंड आई ऑल्सो सीक ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू बिकॉज जबलपुर में हम पहली बार बड़ा काम करने जा रहे हैं। एक वर्ड रेंज के बारे में, जो लॉन्ग प्रूफ रेंज कमरिया है 14.5 किलोमीटर लंबी है यह रेंज, और इस वक्त आप लोग यहां बैठे हुए हैं और ये जो काले धब्बे दिख रहे हैं सामने, जब आप ऊपर से देखेंगे अरेस्टर बर्ड्स बने हुए दिख रहे हैं, जो हमारा इस रेंज में जब पहला गोला फायर होगा वो तकरीबन आप जब ऊपर चलेंगे तो आपको सामने एक पहाड़ी दिखेगी स्काईलाइन के ऊपर, वो पहाड़ी जो है कि तकरीबन इस इलाके में है 5 किलोमीटर आगे हमसे 5 किलोमीटर, यह राउंड 5 किलोमीटर उस पहाड़ी को पार करके दो पहाड़ियां हैं और एक बहुत खूबसूरत वैली बनी है वहां पर, उस वैली के अंदर ये राउंड्स गिर रहे हैं, क्योंकि वही हमारा टेक्निकल डिसीजन है कि कहां पर इस राउंड को कहां गिराना है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गन सिर्फ 5 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी 30 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा की, वो भी टेक्निकल डिटेल्स आपको मिलेंगे, लेकिन जहां हम फायर कर रहे हैं और जिस तरीके का प्रेशर और रिकॉयल फोर्सेस या मजल वेलोसिटी की ऑब्जर्वेशन रीडिंग ले रहे हैं वो चीजें यहां पर हो सकेंगी, ये नई तकनीक प्रूफ की उसके आधार पर। तो और ये पूरी रेंज के तीनों तरफ रिजर्व फॉरेस्ट है और लॉन्ग प्रूफ रेंज एक इकलौती रेंज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कि एक्वायर्ड और नोटिफाइड रेंज है। प्रूफ रेंजेस या तो नोटिफाइड होती है या एक्वायर्ड होती है, पर हमें खुशी इस बात की है कि ये एक्वायर्ड भी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे खरीदा हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई भी किया हुआ है, तो एक्वायर्ड एंड नोटिफाइड रेंज है। और इसके अंदर बिना इजाजत घुसना अपराध है, आपराधिक कार्रवाई इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसीलिए आप लोग वो इंडेमनिटी बॉन्ड भर रहे थे आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया सीधे बे नंबर 1 के पीछे इस तरीके का टावर है उस पर जाएं। डीडी मिश्रा जी।